बिहार में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, ऐसे में तमाम अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में आज पटना पहुंचे थे, पटना में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर की तस्वीरें है। किस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, जमकर उन्हें खदेड़ा गया है और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी किस तरीके से भागने पर मजबूर हुए हैं, यह तस्वीर देखिए। किस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, जो कि जिन्होंने एसटीईटी क्वालिफाई किया था। उनका यह आरोप है कि पहले उन्हें यह वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि उन सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन बीते दिनों जो रिजल्ट सामने आया, जो मेरिट लिस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें ज्यादातर लोगों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, ऐसे में अब वो सब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आखिर मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों किया गया, जबकि सरकार ने तो ये वादा किया था कि तमाम अभ्यर्थी जो सब क्वालिफाइड है एसटीईटी, उन सब की नौकरी पक्की है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था, विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सवाल किया था और तब शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश भी जारी किया गया था कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, चाहे वह मेरिट लिस्ट में है या फिर नहीं है, उन सबको नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से पुरानी बातों को याद करा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और आज शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां के बाद क्या कुछ तस्वीर उत्पन्न हुई वो आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जमकर लाठी बरसाए हैं, खूब दौड़ाया गया है। तो ऐसे में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह काफी गुस्से में है। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और तस्वीरें देखिए किस तरीके से पटना में तमाम एसटीईटी पास अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट से बाहर हैं वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग किया है और लगातार उन पर लाठी बरसा रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी यह मामला उठाया था, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा था कि सरकार को इस बात पर जल्द से जल्द फैसला लेनी चाहिए कि आखिर ऐसे अभ्यर्थी जो पहले क्वालिफाइड थे उन्हें अब मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया गया, जबकि मेरिट लिस्ट का कोई मामला ही नहीं था। और यह बात जो है लगातार उठ रहा है बिहार में, सियासत भी इसको लेकर जोर शोर से हो रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देखने वाली बात होगी इस लाठी चार्ज के बाद अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इस मामले को लगातार उठा रहे हैं कि आखिर क्यों उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें पहले सरकार ने ये वादा कर दिया था कि जो लोग क्वालिफाइड हो गए हैं उन्हें उनकी नौकरी पक्की है, बावजूद अब उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया गया। जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट जब क्वालिफाइड हुए तो फिर मेरिट लिस्ट का लफड़ा कहाँ से आया, किसे बैकडोर से उसमें एंट्री दी जाने की कोशिश की जा रही है, तमाम बड़े आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने इस पर जवाब भी दिया था, लेकिन जब आज अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे तो फिर वहां पर पुलिस ने अपने बल प्रयोग किया है। क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स के लिए बटर हेडलाइंस पीआर के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।